दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर मंगलुरु से आ रही है। दोस्तों खबर की पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। खबर है कि कर्नाटक के मंगलुरु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं अस्पताल की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। जल्द ही बयान भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ हफ्तों से उन्हें मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी साल योग करते हुए उन्हें चोट भी लगी थी। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आखिर कौन है ऑस्कर फर्नांडिस, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि ऑस्कर फर्नांडिस की गिनती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। वह यूपीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रह चुके थे। अभी भी ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा के सदस्य थे। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रह चुके ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त के साथ गांधी परिवार के साथ काम कर रहे हैं। वे राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ आपको बताते चलें कि साल 1980 में कर्नाटक की उडप्पी लोकसभा सीट से वह सांसद चुने गए थे। उसके बाद 1996 तक यहाँ से वे लगातार जीतते आए। वहीं साल 1998 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। तब से वह बतौर राज्यसभा सांसद ही संसद के सदस्य बने हुए थे। आपको बता दें कि उनका जन्म 27 मार्च 1941 को कर्नाटक के उडुपी में ही हुआ था। वह परिवार के 12 बच्चों में से एक थे। आपका उनके निधन पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।